नमस्ते दोस्तों, हम आपका हमारे इस बिल्कुल नए एपिसोड में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे नेताजी के जन्मदिन के बारे में पूछूंगा तो आप बोलेंगे 23 जनवरी 1897। लेकिन अगर मैं उनकी मृत्यु के बारे में पूछूंगा तो आप में से बहुतों का जवाब होगा 18 अगस्त 1945, और बहुतों के पास जवाब नहीं होगा। मित्रों, नेताजी का की मृत्यु की तिथि आज हमारे इस जीवन में रहस्य का कारण बन गई है। दोस्तों, नेताजी की मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, इस रहस्य के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको नेताजी के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक नाम के एक शहर में उड़ीसा इंडिया में हुआ था। दोस्तों, वो बंगाल कांग्रेस के लीडर के तौर पर काम कर चुके थे और वो उन्होंने INA की स्थापना भी की थी ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया से हटा सकें। दोस्तों, बात 1939 की है जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने यह ऐलान कर दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में उनके साथ है, और यही सोचकर अंग्रेजों के दुश्मन जैसे जापान और जर्मनी ने भारत को भी अपना दुश्मन समझ लिया। और तो और, जापान ने भारत पर हमला भी कर ही दिया था कि गांधी जी ने तुरंत ही पूरे देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों, यह देखकर जापान समझ गया कि असल में भारत के लोग अंग्रेज के साथ नहीं हैं। फिर जापान के साथ दोस्ती बढ़ाते हुए, मित्रता बढ़ाते हुए नेताजी जापान गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस समय अंग्रेजी सेना में 40% सेना भारतीय थे, इसलिए अंग्रेजों से युद्ध के समय जापान ने बहुत सारे भारतीयों को भी बंधक बना के रखा था। नेताजी जापान जाकर उन सभी भारतीयों को छुड़ाया और इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से अच्छी तरीके से बनाया। दोस्तों, असल में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इन्हीं के बड़े भाई ने की थी, जिन्होंने एक जापानी महिला के साथ शादी की थी और फिर जापान में ही INA की स्थापना की। फिर नेताजी ने वहाँ पर INA की लीडरशिप अपना ली। दोस्तों, उसके बाद नेताजी इंडिया वापस आ गए। फिर जब वे दोबारा जापान जा रहे थे तब उन्हें आखिरी बार उनके रूप में धनबाद रेलवे स्टेशन पर देखा गया। उसके बाद वे भेष बदलकर जापान जाने के लिए एक हवाई जहाज में बैठ गए। दोस्तों, वो हवाई जहाज जापानी था, लेकिन खबर आई कि वह हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, यह खबर सुनकर सभी को बहुत दुख हुआ। लेकिन आजादी के बाद पता लगाने पे लेकिन आज़ादी के बाद पूछताछ के वक्त जापानी हवाई अड्डे से यह खबर मिली कि 18 अगस्त 1945 को कोई जापानी हवाई जहाज क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यह खबर आते ही पूरे देश भर में खलबली मच गई। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नेताजी शास्त्री जी की मदद से अपने परिवार की निगरानी कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन जो भी हो, आज तक कोई पक्के सबूत के साथ यह नहीं कह पाया कि नेताजी की मृत्यु सचमुच 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी।
दोस्तों, आपको हमारे आज का यह नेताजी के मृत्यु पर वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो